अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो रेड सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी पुश करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं राजमा किडनी बीन्स या सुर्ख लोबिया। इसको हम बनाएंगे एक नए तरीके से, एक नई रेसिपी के साथ। तो इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए चलें वो नोट करते हैं। सुर्ख मिर्च है ये मेरे पास तकरीबन एक टेबल स्पून के करीब है। नमक हम हसबे जायका लेंगे। धनिया पाउडर है ये हाफ टेबल स्पून है और हल्दी जो है ये हाफ टी स्पून है। कश्मीरी मिर्च है ये मेरे पास हाफ टेबल स्पून के करीब है। तीन अदर टमाटर हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है रफली। एक प्याज है बड़े साइज की जिसे मैंने चॉप कर लिया है। काली मिर्चें हैं और ये तकरीबन हाफ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है ये दो टेबल स्पून के करीब है। चिली फ्लेक्स है ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून है और जीरा है ये भी हाफ टेबल स्पून है। हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास गरम मसाला है। तीन अदद मेरे पास ये लौंग है और एक बड़ी इलायची का पीस है और छोटा सा पीस मेरे पास जो है दालचीनी का है। कुछ ये धनिया है, हरी मिर्चें हैं और ये लहसुन है। ये हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप इसको नोट कीजिएगा। एक पाव के करीब ये लोबिया है जिसे मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक देगची में पानी रख दिया और इसमें मैं ये दालचीनी लौंग और एक बड़ी इलायची का पीस डाल रही हूँ। जैसे ये बॉयल होता है तो मैं इसमें लोबिया को शामिल करूंगी। पानी में बॉयल आ चुका है तो ये लोबिया जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए मतलब इसको बॉयल करूंगी। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लोबिया में तकरीबन 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं तो मैं इसका अगला स्टेप आपको दिखाऊंगी। अभी मैं ये इसको जो है ड्रेन करती हूँ और दोबारा दिखाती हूँ आपको। ये अब मैंने कुकर के अंदर पानी ले लिया हुआ है और इतना पानी लिया है कि जिसमें ये लोबिया गल जाए। ये मैंने लोबिया जो उबाला था इसको, इसमें से मैंने लौंग को इलायची को सबको रिमूव कर दिया और अब मैं इसको इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसमें ये मसाले डाल रही हूँ। प्याज हम शामिल कर रहे हैं, टमाटर, सुर्ख मिर्च और नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। बाकी मसाले हम कहाँ शामिल करेंगे वो आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और इस तरह से अगर आप लोबिया बनाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा। तो अब मैं इस लोबिया को गलाती हूँ और इसके बाद आपसे मिलती हूँ। लोबिया जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका हुआ है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा भूनूंगी। अगर आप मेरी रेसिपी पे लोबिया बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अभी हम इसमें बाकी मसाले इस्तेमाल करने वाले हैं तो देखते रहें पूरी रेसिपी। लोबिया जो है भून चुका हुआ है तो जो इसका थोड़ा सा ग्रेवी थी वो मैंने निकाल ली थी तो वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। जितना इसमें शोरबा आप चाहेंगे उतना आप इसमें शामिल कर लें और इसको हम 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो दिखाती हूँ अगला स्टेप इसके बाद। अब तकरीबन मैं तकरीबन 5 चम्मच के करीब ऑयल ले रही हूँ। बस बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, इतना ही काफ़ी है। अब इसमें मैं ये लहसुन है जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है वो शामिल कर रही हूँ। लहसुन जो फ्राई हो चुका है तो ये मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ज़ीरा फ्राई हो चुका है तो ये मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें शामिल कर रही हूँ और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। तो देखें है ना ये बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी। तो इसको मैं फ्राई करती हूँ। ये बघार जो है वो तैयार हो चुका हुआ है तो अब ये हम लोबिया पे शामिल करते हैं। दिखाती हूँ आपको। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल किया और थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल किए। तो ये जो बघार मैंने बनाया था ये शामिल कर रही थी। ये रेडी हो चुका हुआ है तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये राजमा किडनी बीन्स रेड लोबिया बनकर रेडी हो चुका हुआ है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। तो इस पर हम थोड़ा सा करते हैं
ये हम थोड़ा सा गरम मसाला इस पे डाल रहे हैं। ये राजमा, किडनी बीन्स या सुर्ख लोबिया बनकर रेडी हो चुका हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।